हेलो लर्नर्स, आप लोगों ने भारी डिमांड किया कि सर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाइए और मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है जो अभी सेमिस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से। तो जिस तरह से आपने डिमांड किया और मैंने वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ, उसी तरह मेरा भी एक डिमांड है कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एजुकेशन के सिलेबस को समझ लेंगे कि हमारे एजुकेशन का सिलेबस क्या है फर्स्ट यूनिट टेस्ट का और इसमें कितने नंबर के जो पहला यूनिट टेस्ट आपका होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है यानी जो हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि MCQ बेस्ड आएगा। क्या आएगा? MCQ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखा है WBCHAC क्वेश्चन पैटर्न। तो ये सेमिस्टर 1 का है और यहाँ पर हमारा जो है कितने नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है ये देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है ये होगा आपका 40 नंबर का। यहाँ पे ये देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितना है 40। और यहाँ पे जो सेक्शन बांटा गया है, एक सेक्शन से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा माने 20×1, और दूसरे सेक्शन से भी 20×1 यानी 20। ये टोटल 40 नंबर का हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप थोड़ा इसको ध्यान से फोकस करिए। ये जो MCQ 40 नंबर का रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों के जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसी का मैं यहाँ पर ये लेकर जो सामने का फ्रंट जो सिलेबस दिया है वो यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ। ये मैं कुछ अपने से कुछ एडिट करके नहीं बताया हूँ। आज जो मैं चैप्टर आपके सामने डिस्कस करूँगा वो ग्रुप ए का है और ये जो चैप्टर है यूनिट 1 का ग्रुप ए का कि शिक्षा की अवधारणा एवं उद्देश्य, इससे संबंधित मैं लगभग 150+ MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और इसी तरह के प्रश्न आपके पहले सेमिस्टर में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारा फटाफट, देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं बहुत जल्द उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, ये शिक्षा अवधारणा एवं उद्देश्य, इसी प्रकार प्रश्न आएंगे, रट लो। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, 150+ हम डिस्कस करेंगे बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप देखेंगे। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, सॉरी मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीखना और सिखाना। शिक्षा का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। एजुकेशन शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो बाहर लाना। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? तो विद्या के लिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो अंतर्हित पूर्णता की अभिव्यक्ति होगा। महात्मा गांधी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? तो सर्वांगीण विकास। दार्शनिक हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है? तो सभी योग्यताओं का विकास बोला है। शिक्षा का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा का राजनीतिक अर्थ क्या है? तो राष्ट्र निर्माण का साधन। अर्थशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है? तो उत्पादक प्रक्रिया। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो जन्मजात शक्तियों का विकास। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास। प्रोबेल के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा क्या है? तो गतिशील प्रक्रिया। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा
किसके विकास में सहायक है, तो ये सभी जितने भी दिया गया है ABC। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिगत विकास। शिक्षा के लिए उपयोगी तत्व क्या है, तो ये सभी है ABC। शिक्षा का प्रारंभिक चरण क्या है, तो ये है प्राथमिक शिक्षा, यानी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है वही उसका प्रारंभिक स्वरूप है। शिक्षा का समाज में क्या योगदान है, तो ये सभी होता है ABC। शिक्षा का क्या प्रकार होता है, तो औपचारिक और अनौपचारिक, यानी दोनों तरह से जो होते हैं मनुष्य सीख सकते हैं। शिक्षा के किस प्रकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है, तो अनौपचारिक शिक्षा। कौन से दार्शनिक ने शिक्षा को आत्मा की पूर्णता से जोड़ता है, तो प्लेटो। शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति। आगे देख लीजिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। डर्न विले के अनुसार शिक्षा अपने व्यापक अर्थ में क्या शामिल करती है, तो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक के सभी प्रभाव। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो सामाजिक निरंतरता का साधन। J.S. मार्केंजी के अनुसार शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो जीवनों परंत चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा का संकुचित अर्थ किस प्रकार की शिक्षा को दर्शाता है, तो औपचारिक शिक्षा। संकुचित अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा। टी रेमोंट के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा में क्या शामिल नहीं है, तो आत्म संस्कृति। शिक्षा की संकीर्ण अवधारणा की किसने आलोचना की है, तो शिक्षा शास्त्री ने। शिक्षा की द्विध्रुवीय अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, तो जॉन एडम ने। शिक्षा की प्रक्रिया में दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो शिक्षक और शास्त्र छात्र। शिक्षा के आधुनिक अवधारणा में कौन कौन से तत्व शामिल है, तो शिक्षक छात्र और समाज। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो जीवन कौशल का विकास। शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या शामिल है, तो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा। किसने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक निरंतरता का साधन है, तो जॉन डेवी ने। व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या महत्व है, तो राष्ट्रीय विकास में निवेश। उसके बाद देख लीजिए आगे, शिक्षा के आध्यात्मिक अर्थ के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति। शुक्रार्थ के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, तो सार्वभौमिक वैधता के विचारों का सामने लाना। शिक्षा की व्यापक दृष्टि किस प्रकार की प्रक्रिया को मान्यता देती है, तो जीवन भर चलने वाली। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सत्य की खोज में सक्षम बनाना। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सर्वांगीण विकास। शिक्षा की सामाजिक परिभाषा के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक चेतना जागृत करना। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जन्मजात शक्तियों का विकास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है, तो जन्मजात पूर्णता की अभिव्यक्ति। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा के प्राकृतिक के संदर्भ में यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो व्यवस्थित और जीवन भर चलने वाली। प्लूटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मानसिक और शारीरिक पूर्णता। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आत्मा के विकास में मदद करना। रूसो के अनुसार शिक्षा कब से शुरू होती है, तो जन्म के बाद से ही। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है, तो आंतरिक क्षमताओं का विकास। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो औपचारिक स्कूली शिक्षा। टी रेमोंड के अनुसार शिक्षा में क्या शामिल नहीं होता है, तो आत्म संस्कृति। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो मानवीय क्षमता और व्यवहार का विकास। अल्टेकर महोदय के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है, तो रोशनी और शक्ति का स्रोत। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सर्वोच्च सत्य चिंतन का आनंद। आगे देख लीजिए, व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में शिक्षा को क्या माना जाता है, तो आजीवन प्रक्रिया।
एडलर के अनुसार शिक्षा कब शुरू होती है और कब समाप्त होती है, तो जन्म से मृत्यु तक। किसने कहा कि शिक्षा बाहरी संचय की बजाय अंदर से विकास है, तो हार्न ने। कौन सा दार्शनिक मानता है कि शिक्षा जीवन के लिए केवल तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, तो ड्यूई। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया मानने के अनुसार दो ध्रुव कौन होते हैं, तो शिक्षा खबर शास्त्र। ड्यूई की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अवधारणा के अनुसार शिक्षा के तीन घटक कौन से हैं, तो शिक्षक, छात्र और समाज। पाठ के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, तो गतिशील। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में कौन सी विशेषता नहीं है, तो यह एक स्थिर प्रक्रिया है। पाठ के अनुसार समाज में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, तो यह संस्कृति और सभ्यता के हस्तांतरण में मदद करती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा बच्चों को क्या सिखाती है, तो सामाजिक मानदंड और मूल्य। शिक्षा शास्त्र शब्द किन दो शब्दों के प्रयोग से बना है, तो शिक्षा और विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा शास्त्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो शिक्षा का व्यवस्थित अध्ययन। शैक्षिक सिद्धांतों और विधियों के विकास के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो शिक्षा शास्त्री। शिक्षा को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के पहले किन विषयों का प्रभाव रहा है, तो मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। शैक्षिक अनुशासन का प्राथमिक ध्यान किस पर होता है, तो शिक्षण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्र में अध्ययन किए गए घटक नहीं है, तो विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी कौशल। पाठ के अनुसार शिक्षा शास्त्र का अध्ययन शामिल है, तो शिक्षण और सीखने के व्यापक अभ्यास का। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करने का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो शैक्षिक अभ्यास को समझना और सुधारना। पाठ के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक आवश्यकताएं और मांगे। समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा सारांश कौन सा है, तो शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तांतरण का एक साधन है। शिक्षा के संदर्भ में सचेतन और सप्रयोजन प्रक्रिया का अर्थ क्या है, तो शिक्षा विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट होती है। पाठ के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो समाज से अलगाव। शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया मानने का मुख्य विशेषता क्या है, यह सामाजिक परिवर्तनों के साथ अनुकूलित और विकसित होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा व्यक्तियों को सिखाती है सामाजिक मानदंड और एकेडमिक विषयों दोनों को। पाठ के अनुसार शिक्षा शास्त्र के अध्ययन में क्या शामिल होता है, तो सीखने, शिक्षण और संबंधित प्रक्रियाओं का व्यापक अध्ययन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो गतिशील। जॉन ड्यूई के अनुसार उद्देश्य क्या है, तो एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, तो सामाजिक सेवा। शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो तीन भागों में। व्यक्तिवादी उद्देश्य के समर्थक कौन है, तो रूसो। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो आत्म अभिव्यक्ति करना चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिवादी उद्देश्य का संकीर्ण अर्थ क्या है, तो आत्म अभिव्यक्ति। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किसके हित में है, तो समाज के हित में है। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिवादी और सामाजिक दोनों। किस प्रकार की शिक्षा में समाज और व्यक्ति दोनों के हितों का ध्यान में रखा जाता है, तो उदार समाजवादी शिक्षा। व्यक्तिवादी उद्देश्य का मुख्य तत्व क्या है, तो व्यक्ति का विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज की सेवा कर सके, तो सामाजिक दक्षता का विकास। व्यक्तिवादी उद्देश्य के आलोचकों के अनुसार इसका मुख्य दोष क्या है, तो व्यक्तिवाद का प्रोत्साहन।
व्यक्तिवादी और सामाजिक उद्देश्यों में सामंजस्य का मुख्य कारण क्या है? तो दोनों के विकास के लिए परस्पर निर्भरता। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? तो स्व ज्ञान। सामाजिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो समाज की व्यवस्था का संरक्षण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का आलोचक कौन था? तो एडम्स। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में व्यावसायिक दक्षता का क्या मतलब है? तो नौकरी की तैयारी। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन सके? तो सामाजिक दक्षता। प्रजातांत्रिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास। शिक्षा का कौन सा उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों के हित में है? तो सामाजिक दक्षता। व्यक्तिवादी उद्देश्य के आलोचकों का क्या तर्क है? तो व्यक्तिवाद समाज को विघटित करता है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में किसका समावेश होता है? तो उपयुक्त सभी होता है। उसके बाद प्रजातांत्रिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का विकास। प्रजातांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों में सामाजिक दक्षता का विकास। शिक्षा के उद्देश्य में व्यावसायिक दक्षता का क्या महत्व है? तो रोजगार की संभावना। सामाजिक उद्देश्य के तहत शिक्षा का क्या महत्व है? तो समाज में व्यवस्था बनाए रखना। शिक्षा का कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को अंतर आत्मनिर्भर बनाता है? तो व्यावसायिक दक्षता। व्यक्तिवादी उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो व्यक्ति का विकास। सामाजिक उद्देश्य का संकीर्ण अर्थ क्या है? तो राज्य के हित में शिक्षा। व्यक्तिवादी उद्देश्य के समर्थकों के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो आत्म अभिव्यक्ति। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज एक दायित्व पूर्ण नागरिक बन सके? तो सामाजिक दक्षता। शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में आत्म साक्षात्कार का मुख्य तात्पर्य क्या है? तो आत्म ज्ञान। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज में अपनी पूर्ण भूमिका निभा सके? तो सामाजिक दृष्टिकोण। शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए ताकि व्यक्ति समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके? तो सामाजिक दक्षता। शिक्षा का कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है? तो व्यवसायिक शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके? तो आत्म साक्षात्कार। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझे? तो सामाजिक दक्षता। व्यक्तिवादी उद्देश्य के समर्थकों का क्या कहना है? तो व्यक्तिवाद व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज का एक उत्तरदायित्वपूर्ण सदस्य बन सके? तो ये है सामाजिक दक्षता। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा सके? तो सामाजिक दृष्टिकोण। शिक्षा का कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है? तो व्यावसायिक दक्षता। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके? तो आत्म साक्षात्कार। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज के प्रति अपने जिम्मेवारियों को समझे? तो सामाजिक दक्षता। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को सही? तो सामाजिक दृष्टिकोण। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को? तो सामाजिक दक्षता। ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने भूमि ये भी हो चुका है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने समाज में भूमिका को, ये भी आप कर चुके हो। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति समाज के प्रति, ये भी कर चुके हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट टू वीडियो में। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये चैनल आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ और एक बात बता दूं कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से कनेक्ट होकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद आपको इस वीडियो का, जो अभी मैं बताया, इस सब्जेक्ट का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।